का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड टोमेटो। स्टफ्ड टोमेटो के लिए हमको सबसे पहले चाहिए 10 to 12 पीस गार्लिक क्लॉप्स एंड जिंजर। 1 इंच टुकड़े को हमने बारीक कट कर लिया एंड 2 ग्रीन चिली और 2 मीडियम साइज अनियन, 2 टेबल स्पून मूंगफली के दाने का पाउडर बना के रखा है, पहले उसको रोस्ट किया उसके बाद उसको हमने पाउडर बना लिया है, एंड 2 टेबल स्पून बेसन, एंड ये कुछ खड़े मसाले हैं। 1 पत्ता हमने तेज पत्ता लिया है, ये जावित्री लिया है 1 पीस, हाफ पीस जायफल लिया है और 5 पीस क्लॉप्स के लिए हैं, एंड ब्लैक पेपर के लिए हैं हमने 4 पीसेस, और 1 इंच का ये टुकड़ा लिया है हमने दालचीनी का। ये हमारे कुछ खड़े गरम मसाले हैं, एंड 6 मीडियम साइज टोमेटो लिए हैं। इनको हम ऊपर से ये भाग कट कर लेंगे और इसके अंदर स्टफिंग के लिए रेडी कर लेंगे। ये सभी मसाले भी हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। बेसन और पीनट्स का तो पाउडर है, बाकी सारे मसाले, ये खड़े मसाले ऐसे ही हम तेल में डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे, इसको भी ग्राइंड करेंगे और इसको, तीनों को हम एक साथ ग्राइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टोमेटो को हमने स्टफिंग के लिए रेडी कर लिया है। इसको हम ऊपर से कट करेंगे और इसके अंदर का जितना भी पल्प होगा उसको निकालेंगे, वो इस तरह से निकलता है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और सब्जी में ही यूज़ करेंगे, इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। इसको ग्राइंड करके और सब्जी के साथ ही यूज़ करेंगे, स्टफिंग में हम इसको डाल सकते हैं। और ये टमाटर किस तरीके से निकाले जाते हैं इसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड करने वाली हूँ, जो कि आप बाद में देख सकते हैं। आइए अब हम अपनी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है मम्मा, इसमें देखो